और आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपके साथ बहुत दिन बाद एक लॉन्ग जो है वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इतने दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल रही थी, तो आज की ये वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक डिटेल्ड न्यू लॉन्च प्रोडक्ट रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा अबाउट द प्रोडक्ट। सो इफ यू गाइस डोंट नो, प्लम गुडनेस हैज रिसेंटली लॉन्च देयर सैफ्रॉन एंड पपाया ग्लो फेस वॉश। येस, दिस इज सो अट्रैक्टिव पैकेजिंग आई नो। सो ये प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया है 3 to 4 times एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है आज की इस वीडियो में मैं डिटेल्ड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यू आर इंटरेस्टेड देन मेक श्योर वॉच द फुल वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो ना, डू सब्सक्राइब इट बिलो, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ऑल्सो हिट दैट बेल बटन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और आप वीडियो को चेक कर पाओ। तो चलिए विदाउट बकबक आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्लम गुडनेस ने रिसेंटली लॉन्च किया है देयर सैफ्रॉन एंड पपाया ग्लो फेस वॉश। तो नाम से ही पता चल रहा है ग्लो एंड ब्राइट फेस वॉश से आपके फेस पर अगर डलनेस, स्पॉट या फिर टैनिंग की प्रॉब्लम है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस फेस वॉश ओन्स। और बहुत ही ज़्यादा जेंटल प्रोडक्ट है और प्लम गुडनेस के बारे में मैं अलग से और आपको क्या बताऊँ। प्लम गुडनेस जो एक रिनेउंड इंडियन स्किन केयर ब्रांड है और मेकअप प्रोडक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया है, तो स्किन केयर अभी नहीं रहा, स्किन केयर एंड मेकअप यू कैन से द बोथ। सो ये ब्रांड जो है 100% वीगन प्रोडक्ट सेल करते हैं और इनके प्रोडक्ट एकदम क्रुएल्टी फ्री है और कोई भी एनिमल को ये हार्म नहीं करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स है गाइस ये एब्सोल्युटली सेफ टू यूज है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है एंड आपका एसएलएस और हार्मफुल केमिकल भी फ्री है। तो और आपको क्या चाहिए, इजी टू यूज है। इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में अगर बात की जाए, इट हैज सैफ्रॉन एक्सट्रैक्ट, इट हैज पपाया एंजाइम एक्सट्रैक्ट एंड ऑल्सो विटामिन B5 एंड ग्लिसरिन भी है। सो एक एक करके इंग्रेडिएंट्स को मैं सेपरेटली आपको बताती हूँ कि आपके स्किन में कौन सा गुडनेस ये ऐड करती है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करती है। सैफ्रॉन जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, आप तो जानती हो सैफ्रॉन की जो एक फ्लावर होती है वो भी बहुत बहुत डेलिकेट होती है, उन्हें कलेक्ट करके बहुत ही एक्सपेंसिव ये जो है आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट से ये बनाया गया है। एंड सैफ्रॉन का गुडनेस अगर स्किन केयर में आपको बताया जाए तो स्किन को ब्राइट करने में और आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट करने में हेल्प करती है। सो या सैफ्रॉन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जंप टू द पपाया एंजाइम एक्सट्रैक्ट, ये पपाया एंजाइम जो होता है ना स्किन डलनेस जो है या फिर स्किन पे कोई भी तरह का पिगमेंटेशन है, टैन है, उसे धीरे धीरे रिमूव करने में हेल्प करता है। टैन ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी को होता है, अभी बॉयज़ को भी होता है, गर्ल्स को भी होता है, तो ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, एवरीवन कैन यूज इट और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो कोई भी झंझट नहीं है। आपका ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो या फिर ड्राई सेंसिटिव हो, आप इसे यूज कर सकते हो बेझिझक। इंस्टेंट एक ग्लो ऐड करने में हेल्प करती है आई कैन से टोटली। और विटामिन B5 और ग्लिसरिन, विटामिन B5 इट्स वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन, ये आपके स्किन को जो है नरिश करने में, मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती है एंड ऑल ओवर एक ब्राइटनेस और ग्लो ऐड करती है। टॉक अबाउट द प्रोडक्ट पैकेजिंग गाइस, ये ऐसा एक ट्यूब पैक में आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज है और हैंडी है, इसे लेकर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो और हाइजेनिक पैकेजिंग है आई कैन से। सो इट्स रिटेल्स फॉर 249 rupees और ये जो 100 ml ऑफ क्वान्टिटी आपको मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लिंक रहेगा विथ ऑफर, तो आप डेफिनेटली चेक कीजिए, आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं अगर आप मेरा स्पेशल कोड जो अभी स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा है वो अगर फॉलो करके परचेस करते हो। चलिए अभी झटपट से इसका टेक्सचर और इसे आपको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं, तो चलिए डेमो को झटपट से चेक कर लेते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी रिमूव्ड ऑल द मेकअप एंड अभी मैं आपके साथ डेमो शेयर करने वाली हूँ कि इसे आपको यूज कैसे करना है। वैसे आपको ये डेली जो है ट्वाइस यूज करना है, आप इसे डे टाइम में एक बार और नाइट टाइम में जो है एक बार यूज़ कर सकते हो। इससे फेस अच्छी तरीके से क्लेंस रहती है, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होती है और जो है पिंपल और डलनेस भी नहीं आती है और वो स्किन ब्राइट रहती है। सो या अभी मैं आपके साथ इसका टेक्सचर शेयर करने वाली हूँ। इट हैज़ ब्यूटिफुल ट्यूब पैकेजिंग और ऐसा लाइट जो है पेल ऑरेंज कलर में ये प्रोडक्ट आ रहा है। इसका कंसिस्टेंसी जो है जेल फॉर्म में आ रहा है
ओ माई गॉड गाइस, इट स्मेल्स लाइक हेवन। बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस इसका स्मेल है और थोड़ा सा रनी टेक्सचर ही आप कह सकते हो। सो चलिए इसे झटपट से अप्लाई कर लेते हैं। बट इट स्मेल्स रियली रियली लाइक सैफ्रॉन। बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस प्रोडक्ट है। सो डैम फेस पे आपको यूज़ करना है तो थोड़ा सा फेस को जो है आप वेट कर लीजिए एंड देन अप्लाई कीजिए। फर्स्ट टाइम मैंने जब इसे यूज़ किया था ना, तो जो एक हल्का सा सेंसेशन फील हुआ था मेरे स्किन के ऊपर। सो या अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें पपाया एंजाइम है तो स्किन के रिएक्शन के जो है आने से ये होती है। डेट्स वेरी नेचुरल, आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्किन के लिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा जेंटल फेस वॉश आपको चूज़ करना चाहिए, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है स्पेशली करके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चूजी होना चाहिए इंग्रेडिएंट लिस्ट को लेके। और इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट गाइस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड लग्जूरियस है। फोम की टेक्सचर है ये भी काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। सो यार, अच्छी तरीके से मैंने जो है क्लेंस कर लिया है टैप वाटर से, जस्ट फेस को क्लीन करके मैं आपके साथ मिलती हूँ। सो यार, आई हैव रिंस माय फेस और आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है। सो या आई हैव वॉश माई फेस और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से फेस जो है क्लेंस हो चुका है। एंड इसे यूज़ करने के बाद आपका मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए, या फिर अगर नाइट टाइम में यूज़ कर रहे हो तो सेरम के साथ फॉलोअप कीजिए, और डे टाइम अगर कर रहे हो तो सनस्क्रीन यूज़ करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और आपका स्किन में कोई भी तरह का टैन है या फिर डलनेस है, टायर्डनेस है, उसे इंस्टेंट ये रिमूव करने में हेल्प करती है। आई फील माई स्किन वेरी हेल्दी एंड एजुकेशन फील हो रहा है इसकी स्मेल की वजह से, फ्रेगरेंस की वजह से। एंड आप बताओ कि कितना ज़्यादा ग्लो ऐड हुआ है, आप तो देख ही रहे हो। कमेंट डाउन बिलो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको लग रहा है। सो यार, आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो एंड प्रोडक्ट के बारे में आपको क्लैरिटी थोड़ा सा तो मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ना, तो मेक श्योर लाइक इट द वीडियो और इसे आप शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी। तो चलिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।